Hello students, welcome to Phoenix Edu. Last class we have discussed about the questions of CR discussion, right? Today in this class we will discuss about the TDS questions. This is part 1. How to do the questions? हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेट में सवाल करने के फंडामेंटल वेज दो है, जो मैं बता रहा हूँ कि आपको थियरी पता हो और डायग्राम पता हो तो आप सवाल को ट्रैक कर पाओगे, ठीक है? तो विद दिस होप लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन 1 है. ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल दिस थ्री वर्टिसेस आर गिवन इज व्हाट. ऑर्थो सेंटर है तो आपको एक पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल मान लो बन गया कैसे भी, तो वो उसका ऑर्थो सेंटर रहेगा वो राइट एंगल वाला पॉइंट ही हो जाएगा, ठीक है? तो केस वन इस हिसाब से आप सवाल किए होंगे टेंथ में भी कि आप ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर को ट्रैक करो, जो राइट एंगल बन रहा है उसको आप ट्रैक कर लो. मैं थोड़ा आपको डायग्राम का हिंट देना चाहता हूँ, तो हम डायग्राम से भी देखते हैं क्या होता है. अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट में पहला जो पॉइंट है दिस पॉइंट ए, लेट्स से इट इज़ ए, इट इज़ बी, इट इज़ सी. तो ए है 2 रू 3 माइनस 1 बाई 2, तो लेट्स से 2 है 1 बाई 2 है और दो तीन पॉइंट है, तो लेट्स से 1 बाई 2 ये वाला डिस्टेंस है, 2 इज दिस, 2 कॉमा रू 3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो लेट्स से ए इज समवेयर हियर, राइट. बी बी इज 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, यहाँ पर मैं बी इंट्रोड्यूस कर दूँ. और सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम है, मतलब एक्स उसका 2 है वाई माइनस 2 है, तो यहीं कहीं आएगा सी. अब देखो सी का एक्स 2 है और ए का भी एक्स 2 है, अगर किसी के दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेम है तो वर्टिकल लाइन पर होंगे, अगर उसके वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो हॉरिजॉन्टल पे होंगे. तो बी सी का वाई सेम है तो हॉरिजॉन्टल पर होगा और ये वर्टिकल, मतलब आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा. तो आपको समझ आ ही रहा कि करना क्या, कि अगर ये ट्रायंगल है तो आपका जो सी है वही आपका क्या है, सी क्या है वो राइट एंगल वाला पॉइंट है, मतलब सी इज नथिंग बट द ऑर्थो सेंटर फॉर दिस ट्राइंगल विच इज नथिंग बट 2 माइनस 1 बाई 2, तो आपका आंसर हो जाएगा विच इज अ 2. क्लियर? आप पाइथागोरस से करोगे हमेशा आपको ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी मिल जाएगा, ठीक है? मैंने देख बोला था डायग्राम से आप अच्छे से काम कर पाओगे. बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट. सी आर डिस्कस में वैसे सवाल किए थे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होगा तो बात बन जाएगी. तो जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ कि लैम्बडा 1, लेट्स से रेशियो लैम्बडा टू 1 है 4:1, रेशियो लैम्बडा टू 1 है तो लैम्बडा टाइम्स एक्स 2 प्लस 1 टाइम्स एक्स 1 बाय लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा टाइम्स वाई 2 प्लस 1 टाइम्स वाई 1 बाय लैम्बडा प्लस 1. एक्स 2 वाई 2 का डेटा लिखते हैं, एक्स 2 5 2 है और वो 1 माइनस 2, तो एक्स 2 हो जाएगा 5, एक्स 1 हो जाएगा 1, वाई 2 इज 2, वाई 1 इज माइनस 2. तो विद दिस 4 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कंपेयरिंग द एक्स कोफिशिएंट, तो 4 लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा प्लस 1, तो फ्रॉम हियर आई कैन गेट लैम्बडा इक्वल टू नथिंग बट 3, राइट? तो रेशियो 3:1 आ जाएगा. अब वाई को कंपेयर करो तो भी आपको 3:1 ही मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विच इज नथिंग बट 3:1, ठीक है? इंटरनल डिवीजन वो करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस T1 T2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक को मिक्स करके सवाल बनाए. अगर T1 T2 इसके रूट है तो पहले तो मुझे दो बातें पता है कि T1 प्लस T2 इज नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, इट इज नथिंग बट 2√2. T1 इंटू T2 विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/1 दैट इज 1. तो सम एंड प्रोडक्ट लिख दिया, डिफरेंस की जरूरत पड़ी या स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट थियरी, राइट? सॉरी, क्वाड्रेटिक. अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करनी, लेट्स से इट इज बी, यहाँ पे माइनस है ध्यान रखना. इफ दैट इज सो, मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ ए बी स्क्वायर, राइट? ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब उसका भी स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर डेल्टा वाई का स्क्वायर, √2 T1 माइनस माइनस प्लस √2 T2 उसका भी स्क्वायर, राइट? आगे बढ़ते हैं. T1 क्यूब प्लस T2 क्यूब आइडेंटिटी अगर अप्लाई करें तो ये T1 प्लस T2 सेकेंड ब्रैकेट में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस T1 T2, राइट? दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल वो स्क्वायर था, प्लस √2 कॉमन स्क्वायर है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 एंड होल स्क्वायर, राइट? देख लेते हैं कि किसके रिक्वायरमेंट है. आई नीड समेशन, तो समेशन का तो वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू है, राइट? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के भी रिक्वायरमेंट है और T1 T2 तो पता ही है, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर पहले निकाल देते हैं, या तो आप यहीं पे मैनेज कर सकते हो T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2, तो ये टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है? बेटर है मैं अलग से ट्रैक कर लूँ. तो पहले अगर मैं अलग से ट्रैक करता हूँ कि T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो इट इज़ नथिंग बट T1 प्लस T2 होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 T1 T2, राइट? T1 प्लस T2 होल स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर दैट इज 8,
माइनस टू टाइम्स ऑफ 212 दैट इज़ 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसके वैल्यू यहाँ पे ले जाते हैं तो फाइनल कॉल इज t1 + t2 होल स्क्वायर 2√2 है उसका होल स्क्वायर, तो इट इज़ 8। ध्यान रखना मैं डायरेक्ट वैल्यू प्लगिंग कर रहा हूँ, t1² + t2² दैट इज 6 माइनस t1 t2 दैट इज 1 ये आ गया, प्लस डबल ऑफ t1 + t2 होल स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 8। तो ओवरऑल आंसर वी आर गेटिंग इज 6 - 1 = 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 8 × 25 + 16 8 × 25 = 200 + 16 इट इज़ 216। ये है आपके ए बी स्क्वायर, और मुझे तो डिस्टेंस की बात करनी है, तो व्हेन आई से ए बी इज इक्वल टू √216, ठीक है, ये आपका आंसर है। ऑप्शन में देख लो, √36 × 6 हो जाएगा, 36 का 6 √6 विच इज़ अ आंसर बी, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू थियरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी हैज़ वर्टाइसिस दिस 3, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड द ओरिजिन। अगेन ऑर्थो सेंटर की बात आई है तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस है कि नहीं चेक करो, राइट एंगल बन गया तो बहुत आसान हो जाएगा। देख लेते हैं, इसको मैं कोऑर्डिनेट से नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको पाइथागोरस से कर रहा हूँ, तो दोनों में फिर आपको समझ आ जाएगी। ए बी स्क्वायर ए बी सी 3 - 4 = 1 का स्क्वायर 4 - 6 - 2 का स्क्वायर 4 इट इज समथिंग अबाउट 5। बी सी होल स्क्वायर 4 - -+1 होल स्क्वायर 25 6 - 6 = 0 दैट इज 25। ए सी होल स्क्वायर 3 - -+1 = 4, 4 का होल स्क्वायर 16 4 - 6 - 2 का होल स्क्वायर 4 दैट इज नंबर 20। तो किसी दो का सम तीसरा हो रहा है, यस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज 25, राइट। देखो बी सी स्क्वायर, तो आई कैन से दैट कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इफ दैट इज सो फ्रॉम हियर, बी सी आपका हाइपोटेनियस है, तो जो आपका ए है इट इज नथिंग बट 90। ए अगर 90 है तो आपका ए ही क्या है, ऑर्थो सेंटर। ए अगर ऑर्थो सेंटर है तो ए के कोऑर्डिनेट है आपके 3, 4, तो ऑर्थो सेंटर भी है 3, 4। 3, 4 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन है आपका 0, 0, पॉइंट एच इज 3, 4। डिस्टेंस फ्रॉम उसे देखोगे तो ओ एच आपको पाइथागोरस से 3, 4 है, तो ये हो जाएगा 5। तो फाइनल आंसर इज समथिंग बट 5, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इस टाइप का सवाल आपने सीआर डिस्कशन में भी किया था, तो सेम फंडामेंटल। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब इस पॉइंट को, ये पॉइंट देख लो, उसको कैसे डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नल वाला पॉइंट, एक्सटर्नली कर रहा है तो इंटरनल वाला पॉइंट। लेट अस सी, C51 इसको कैसे डिवाइड कर रहा है उसकी बात कर ले, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 5, 1 इज इक्वल टू, लेट से वो जो रेशियो लैम्बडा है, तो लैम्बडा x2 + 1 x1 λ + 1 λ y2 + 1 y1 / λ + 1। देख लेते हैं, प्लग इन द वैल्यू x2 x1 x2 है 6, हमेशा ऐसा ही करेंगे जैसे गलती ना हो, x1 है 2, y2 है -2, y1 है 10। इफ दैट इज सो, तो 6 λ x को कंपेयर कर रहा हूँ, 6 λ + 2 इक्वल टू λ + 1 विद दिस 5, तो 5 λ + 5। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट कि लेमडा इज नथिंग बट 5 - 2 इट इज 3। तो ये इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट। तो लेट से हार्मोनिक कॉन्जुगेट अगर ए बी सी लेट से डी है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगेन फार्मूला, ठीक है, लेमड़ा 3 है तो 3 यहाँ पे 1, अब एक्सटर्नल डिवीजन है तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 ये 1 3 - 1। पॉइंट को प्लग इन कर देते हैं, x2 x1 सारे पॉइंट यहीं से आएंगे, तो 6 ये 2 -2 और ये 10, इसका हिसाब लगाते हैं, तो पॉइंट डी विच इज़ अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज 6 × 3 = 18 - 2 = 16/2 -6 - 10 - 16/2। तो फाइनल आंसर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इट इज़ नथिंग बट 8, -8, दिस इज अ फाइनल कॉल, आंसर आपका है ए विच इज़ अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस पॉइंट। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट दिस इज हाउ वी आर ट्रैकिंग द डिटेल्स, कैलकुलेशन है नथिंग एल्स, ठीक है, आप खुद से भी कर पाओगे। बढ़ते आगे, इन अ ट्राइंगल, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए इज गिवन टू यू, सर्कम सेंटर है ओ है, ऑर्थो सेंटर है एच है, दे आर इंटरेस्टेड इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू ए, मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू ए। तो जब तक कुछ ज़्यादा समझना है तो हमेशा डायग्राम में जाने का प्रयास करो, जरूरत हो या ना हो। ए के पॉइंट है, ए अवेलेबल है 1, 10, बी और सी का पता नहीं है, तो लेट्स से x2 y2
सी इज एक्स थ्री वाई थ्री, राइट। यहाँ तक मुझे समझ आया। ओ का डिटेल्स है सर्कम सेंटर, एच का डिटेल्स है और मुझे ऑपोजिट टू ए इसका मिड पॉइंट मतलब बी सी का मिड पॉइंट अगर देखोगे तो इट इज़ नथिंग बट समवेयर हियर, लेट से एम। तो एम के कोऑर्डिनेट है एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू। मतलब अगर मुझे किसी तरह से एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये सम और ये सम मिल जाएगा तो ये डेटा आ जाएगा। इनका सम कब आएगा, एच पता है ओ पता है तो आपको मैंने एक रिलेशन लिखवाया हुआ है, क्या मैं जी निकाल सकता हूँ, यस वी ऑलरेडी नो एच जी अपॉन जी ओ, स्पेशल पॉइंट में मैंने बताया था इट इज़ ए टू रेस्ट टू वन, मतलब जी डिवाइड्स एच ओ इन द रेस्ट टू टू वन। तो कैन आई ट्रैक द जी, तो पहले जी को ट्रैक करते हैं, रेशियो है टू रेस्ट टू वन में तो टू प्लस वन, ठीक है वही पहले इसको फॉर्मेट से देता हूँ, टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन। ये डिवाइड करेगा किसको, एच ओ को, ठीक है एच ओ को, तो सेकंड पॉइंट ओ हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट एच, तो ओ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स टू वाई टू और ये एक्स वन वाई वन। तो पहले मुझे ओ को लिखना है, ओ मतलब ये माइनस वन बाई थ्री, वहाँ पे इलेवन बाई थ्री, राइट टू बाई थ्री एंड फोर बाई थ्री। तो आई होप बात क्लियर है, हमने कैलकुलेशन को पता ही है। तो जी इज नथिंग बट आराम से कैलकुलेशन करते हैं, माइनस टू बाई थ्री प्लस इलेवन बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री प्लस इलेवन बाई थ्री नाइन बाई थ्री, नाइन बाई थ्री बाई थ्री थ्री, तो इट इज़ अ थ्री बाई थ्री, फोर बाई थ्री टू इंटू थ्री फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री एट बाई थ्री, ये एट बाई थ्री है और डिवाइड बाई हो जाएगा थ्री। तो टोटल जी के कोऑर्डिनेट है वन कॉमा एट बाई नाइन। तो यहाँ तक तो क्लियर है शायद, जी आ गया। और जी को तो मैं बोल ही सकता हूँ क्या, g इज नथिंग बट x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई सॉरी थ्री दोनों में। तो यहाँ पे देखते हैं x1 तो है 1, तो इट इज़ ए वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, राइट। ये है टेन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, राइट ठीक है। यहाँ से x2 टू प्लस एक्स थ्री आ जाएगा, y2 टू प्लस वाई थ्री आ जाएगा तो वो मिड पॉइंट भी आ जाएगा। तो इफ़ आई से x2 टू प्लस एक्स थ्री क्या हो जाएगा, तो x2 टू प्लस एक्स थ्री होना है, मुझे इसको मेंटेन करना पड़ेगा समवेयर हियर। तो इफ़ आई से x2 टू प्लस एक्स थ्री क्या हो जाएगा, तो x2 टू प्लस एक्स थ्री ठीक है प्लस वन, ये हो जाएगा थ्री प्लस वन इक्वल टू थ्री, थ्री को मैंने सामने मल्टीप्लाई कर दिया। y2 टू प्लस वाई थ्री ठीक है उसको भी देख लेते हैं, ये थ्री मल्टीप्लाई होगा तो एट बाई नाइन का इंटू थ्री एट बाई थ्री, एट बाई थ्री माइनस टेन, एट बाई थ्री माइनस टेन। मेरा आंसर जो है वो एक्स टू प्लस एक्स थ्री विच इज नथिंग बट टू बाई टू करना है, ये टू आ गया यहाँ से, वाई टू प्लस वाई थ्री एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इज थ्री, ये थर्टी एट माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी। फाइनल कॉल मुझे मिड पॉइंट की बात करनी है तो बाई टू करना पड़ेगा, तो टू बाई टू वन सब में है, माइनस ट्वेंटी टू बाई थ्री बाई टू माइनस इलेवन बाई थ्री, ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर विच इज द मिड पॉइंट। ठीक है फिर से समझो, थ्योरी पता थी डेटा मैनेज किया, जो नहीं पता था उसको लिख दिया, फिर जो पता है उसको आगे बढ़ाया एंड फाइनली आपको समझ आ गया कि करना क्या है, राइट। दिस इज हाउ वी आर फॉलोइंग द क्वेश्चंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री वर्टाइसिस ऑफ अ पैलोग्राम, पैलोग्राम है टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर है मतलब ये कंटिन्यूस है। तो इफ आई से पैलोग्राम इस लेटर से ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ऐसे है और यही आपके हैं ए बी सी और शायद हाँ डी ही ढूंढना है, दिस नीड टू फिगर आउट। अगर ये ए है तो माइनस वन कॉमा जीरो, बी इज थ्री कॉमा वन, सी इज टू कॉमा टू, देन वी आर अबाउट टू फाइंड डी लेट से एक्स कॉमा वाई। ठीक है पैलोग्राम की प्रॉपर्टी पता ही है, पैलोग्राम में आप डिस्टेंस को सेम कर सकते हो बट बेटर है मिड पॉइंट को यूज़ करो। तो जो डायगोनल की मिड पॉइंट होगी वो हमेशा बाइसेक्ट करेंगे एम पर, मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी आर सेम। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट बी डी, राइट। ए सी का मिड पॉइंट सम बाई टू माइनस वन प्लस टू वन बाई टू, जीरो प्लस टू बाई टू,
यहाँ पे BD का मिड पॉइंट x प्लस 3 बाई 2 y प्लस 1 बाई 2। तो फ्रॉम हियर लेट अस ट्रैक x एंड y। x प्लस 3 हो जाएगा आपका क्या 1, 2 कैंसिल, y प्लस 1 हो जाना है 2, राइट right? ठीक है, तो फ्रॉम हियर x इज नथिंग बट माइनस 2 एंड व्हाट इज y, y इज नथिंग बट 1। तो माइनस 2 कॉमा 1 आपका फोर्थ वर्टेक्स है, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन बी इज अ फाइनल कॉल। ठीक है, क्लियर है, थियरी फंडामेंटल, आपका काम आसान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन ही है टीडीएस वन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही कौन सा गलत है, थियरी बताओ कि काम कर पाओगे। देख लेते हैं, दिस थ्री पॉइंट्स, फोर पॉइंट्स आर वर्टेसेस ऑफ रोम्बस। सीआर डिस्कशन का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने 2 में रोम्बस, रोम्बस मतलब साइड सेम रहेगी, तो चेक कर लो अगर चारों की साइड सेम है तो रोम्बस है, अगर पाइथागोरस अवेलेबल नहीं है तो रोम्बस है, अगर पाइथागोरस भी हो गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर पाओगे। बी में है ए बी सी डी आर वर्टेसेस ऑफ स्क्वायर, तो देखो रोम्बस एंड स्क्वायर, तो दोनों में साइड की लेंथ सेम ही आ जाएगी सही होगा, तो सही नहीं तो गलत आ जाएगा। और अगर रोम्बस में पाइथागोरस प्रूव ना हुआ तो रोम्बस है, स्क्वायर में पाइथागोरस प्रूव होना चाहिए तभी वो स्क्वायर है, तो दोनों का हम ध्यान रखें। ये हमने किया हुआ है तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, देख लेंगे। द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टेस ऑफ पैलोग्राम, पैलोग्राम को कैसे चेक करोगे, ऑपोजिट साइड कैसी होगी उसकी, पैरेलल, और उसका लेंथ भी सेम होगा। तो देखो पैलोग्राम में क्या क्या हो सकता है, और हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ के रखा तो मैं वहाँ से इसको कनेक्ट कर लो, बस नॉलेज के लिए कि क्या पैलोग्राम है कि नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम कॉन्सेप्ट तो सीख लेंगे। पैलोग्राम को चेक करना है तो हमें पता है कि ए बी और बी सी डी का लेंथ सेम होगा, इन दोनों का लेंथ भी सेम होगा। दूसरी बात, दोनों पैरेलल है, पैरेलल को अभी तक आप चेक नहीं कर पाएंगे, बट अब मैं पैरेलल को चेक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्लोप का डेटा पता है, क्योंकि इस पैरेलल लाइन है तो स्लोप विल बी द सेम, हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। तो मैं सी क्वेश्चन 3 को चेक कर रहा हूँ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी, अगर मैं ए बी का स्लोप देखूँ, ए बी का स्लोप डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/3, ये स्लोप ऑफ ए बी है। सी डी का सेम आना चाहिए अगर पैलोग्राम है तो, सी डी का स्लोप, सी डी का स्लोप 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, देखो स्लोप सेम आया, मतलब ए बी सी डी पैरेलल है, पैलोग्राम नहीं हुआ है, जस्ट पैरेलल है। अगर बी डी ई डी भी पैरेलल हो जाएगा तो मैं पैलोग्राम शायद बोल पाऊँ डिस्टेंस के फॉर्म में। तो सेकंड देख लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, बी सी का स्लोप, ये बी है ये सी है, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 1 3, इसका स्लोप है 1। अगर आपका स्लोप ऑफ ए डी बी 1 आ गया तो मैं उसको बोलूँगा पैरेलल लाइन है, अगेन पैलोग्राम नहीं है, पैरेलल लाइंस है, अगर डिस्टेंस भी सेम रहा तो पैरेलल पैलोग्राम हो जाएगा। ए डी, ए डी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और ये भी है 1, मतलब ये पैरेलल लाइंस तो है, ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी एज वेल। ठीक है, ये ट्रू है, इफ दैट इज सो। अब आप डिस्टेंस भी देख लो, ए बी डिस्टेंस निकाल लो, ओरली चेक कर लेते तो पता चल जाएगा, ए बी रूट टू माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, मतलब ये रूट 10 है। ठीक है, सी डी को देख लेते हैं, सी डी 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 2 1, 9 प्लस 1 10 रूट 10, तो देखो ये तो सेम है, तो अगर इन दोनों का लेंथ सेम आ गया तो पैलोग्राम हो जाएगा। कर ही लेते हैं, बी सी 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 0 9, 9 प्लस 9 18, तो ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ 18, राइट। ए डी ए एन डी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, बहुत बढ़िया, बात हुई खत्म। ये ऑपोजिट साइड सेम भी है, पैरेलल भी है, तो इट इज़ नथिंग बट द पैलोग्राम, तो आपका ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, तो ए बी तो हमने बात कर ही ली है बहुत बार, पता ही आपको, और पैलोग्राम को मैंने आइडिया दे दिया कि जब पैरेलल लाइंस हो तो आप स्लोप का भी फंडामेंटल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका TDS सेक्शन 1, नेक्स्ट क्लास में हम TDS 2 की भी बात करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए, थैंक यू वेरी मच।